तो क्लास इलेवेंथ आपके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप डिमांड कर रहे हो उसके अंदर से मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके पास कवर करके चल रहा हूँ जो रियली में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और उसमें उसी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके पास लेकर चल रहा हूँ वो है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। देखो बेटे, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा, आप लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा। इन सब के पीछे, इन सब गैसेस के जितने भी आपके पास में लॉज हैं, इन सब के पीछे ये बेसिक काम कर रहा है। और अगर आपको ये बेसिक पता है तो आप वो सबको जो आप अप्लाई करते हो, चाहे केमिस्ट्री के अंदर करते हो या फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हो, आपको उसका हर डेरिवेशन इसके बिहा पर सॉल्व करना आ जाएगा। देखो, ये बेसिक रूल मैं आपको सिखाता हूँ। आपने एक क्यूब लिया और इस क्यूब के अंदर आपने किसी गैस को सपोज करो फिल कर दिया। अब देखो बेटे, क्यूब आपका थ्री डायमेंशनल होता है, तो इसकी एक एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस होगी, एक एक्सिस इसकी वाई एक्सिस होगी और एक एक्सिस जेड एक्सिस होगी। तो मैंने कहा भाई, ये एक्सिस मेरे पास सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस मेरे पास सपोज करो वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है, मेरे पास जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो फेस है आपका, ये फेस होगा आपका वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कोई गैस का मॉलिक्यूल आपके पास में वाई जेड प्लेन वाली वॉल को हिट करने के लिए टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो टुवर्ड्स राइट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जाता है, जाकर इसको हिट करता है और हिट करके वापस आता है। द मोमेंट इट हिट द वॉल, ये यहाँ से जब वापस आता है, तो जब भी ये वॉल को हिट करता है तो वॉल को थोड़ा आगे की डायरेक्शन में एक मोमेंटम देने की कोशिश करता है, और जब ये यहाँ से उठ के वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, वापस पीछे आने की कोशिश करेगा, तो ये फिर से वॉल को प्रेस करके वापस पीछे आएगा। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि जब हम किसी चीज के ऊपर मूव करते हैं तो हम बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स मूव करते हैं, और अगर रिएक्शन फोर्स हमें ना मिले तो हम उसे तोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर है। तो आपने क्या करा, आपने एज्यूम करा एक गैस का मॉलिक्यूल मूविंग टुवर्ड्स राइट इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी Vx। आपको भी इट हिट्स दी वाई जेड वॉल, ये जो वॉल है आपके पास में वो एक प्लेन की तरह है। तो व्हेन इट हिट्स, इट ट्रांसफर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, मास इनटू वेलोसिटी। When reflect और bounce back in the opposite direction of x-axis without any change इन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कोई भी चेंज और टकरा कर अगर ये वापस आएगा तो आपके पास में मोमेंटम अब जो होगा आपके पास में ट्रांसफर वो इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का एम वी एक्स टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस पार्टिकल इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ द फाइनल इज एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स एंड इनिशियल इज एम वी एक्स।
नाउ इट विल बिकम माइनस टू टाइम्स एम वी एक्स। बेटे मैं आपको ना केवल ये बताता हूँ कि टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बताता हूँ एग्जाम में लिखकर किस तरीके से आना है कि एग्जाम में तुम्हें मार्क्स दे सकता हूँ। देखो बच्चों क्लास ट्वेल्थ में जाकर बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ के ऊपर आती है कि उन्हें टॉपिक तो आता है पर लिखना नहीं आता। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने इलेवंथ क्लास में नहीं लिखा। मैं आपको सबसे ज्यादा हेल्प आपकी लिखने में कराता हूँ क्योंकि बेटे फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, आप उससे अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में ही आंसर करोगे तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे पाएगा, आप इसको समझते हो। अब देखो आपके पास ये गैस के मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है, इतना मोमेंटम गैस के मॉलिक्यूल में चेंज आया, आप लिखा मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉन्ड, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉल और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। बेटे बॉल मूव तो नहीं कर गई आपके पास, गैस ने हिट किया और गैस बॉल मूव करके ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब जितना मोमेंटम आपके पास में मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आया अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो उतना ही मोमेंटम इसके अंदर भी चेंज आया। कि नेट फोर्स कितना हो जाए आपके पास जीरो, पता नेट मोमेंटम कितना हो जाए आपके पास जीरो, तो आपके पास बॉल के अंदर मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, प्लस का 2mvx आएगा। अब बेटे मैं एक छोटी चीज रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक क्यूब है तो इसका वॉल्यूम होगा एल का क्यूब और इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा फेस जो वाई जेड के ही पैरेलल होकर कंसीडर करके चलूंगा तो मेरे पास इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा एल क्यूब से। अभी मेरे पास में क्यूब वाइड बन जाएगा जिसमें ये तो आपके पास एल होगा ये भी एल होगा लेकिन अब आपके पास में हाइट चेंज हो चुकी होगी और ये जो डिस्टेंस चेंज हुआ होगा आपके पास एक्स एक्सिस में चेंज हुआ होगा, तो डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय आपके पास में टाइम। तो मैं ये कहता हूं आपके पास में लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन आपके पास में ये चीज आपके से vx into t होगी, length into breadth, अगेन आपके पास area of the wall, vx into कितना होगा आपके पास में t हो गया, ये है वॉल्यूम आपका। अब अगर आपके पास में क्या हो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो इन यूनिट वॉल्यूम के, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो इन किसके अंदर आपके पास में यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, तो अब आपके पास में टोटल मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम इसके अंदर कितने होगा आपके पास एरिया वेलोसिटी एक्स इंटू टाइम टी और उसके साथ में कितना होगा आपके पास एन बन गया। अब बेटे एक बात याद रखे चलो कि आपके पास जब भी कभी गैस के मॉलिक्यूल्स जाकर किसी वॉल को हिट करते हैं तो आधे वॉल को हिट करने वाले होते हैं और आधे हिट करके वापस आ चुके होते हैं, तो आपके पास में ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में हाफ हो जाएगा एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आपके पास ऐसे लिखा ना, और इनटू एन आपके पास में जो भी वॉल्यूम की डेंसिटी थी मतलब आपके नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स की जो भी डेंसिटी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो थे, तो ये आपके पास में निकल कर आ गए एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटे आपने एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इनके चेंज इन मोमेंटम से, तो आपके पास में टोटल चेंज इन मोमेंटम इन अ टाइम टी इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स निकाले हैं आपने हाफ ए इंटू बी एच इंटू टी इंटू एन, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे टाइम टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल चेंज सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना था आपके पास, वो था आपके पास में 2mvx, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2m vx से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चेंज इन मॉलिक्यूल्स निकल कर आ गया आपके पास। अब देखो बच्चों ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में ये, आपके पास में फोर्स व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स जो इंपार्ट होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी हाफ एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू एम इनटू टू टाइम्स एम, और ये कितना होगा आपके पास में वी एक्स अपॉन में कितना होगा टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी हाफ एरिया ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन, मास एम, और ये कितना होगा वी एक्स का स्क्वायर हो गया आपके पास, ये फोर्स होगा। अब आपसे अगर प्रेशर पूछा जाए तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज हाफ एरिया ए एन इंटू एम, और ये होगा वी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एरिया, तो दिस विल बी हाफ, दिस इज एम एन, और ये होगा आपके पास में वी एक्स स्क्वायर। एम आपके पास एक मॉलिक्यूल्स का मास है और एन आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये बन जाएगा आपके पास में हाफ एम एन वी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में प्रेशर है एक मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से। अब बच्चे देखो एक चीज बहुत काम की है, हमारे पास में कोई भी अगर आपके पास में कोई गैस हो तो गैस आपके पास एक्स डायरेक्शन में मूव करती है, वाई डायरेक्शन में मूव करती है और जेड डायरेक्शन में भी मूव करती है, मतलब एक्स की जो एक्स एक्सिस होगी वाई एक्सिस होगी जेड एक्सिस होगी। अब ऐसा हमेशा नहीं है आपके पास कि सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ एक्स में मूव करेंगे, कुछ वाई मूव करेंगे, कुछ जेड में, कुछ जीरो डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे एक साथ, तो उस केस में हमारे पास गैस की वेलोसिटी सी स्क्वायर से निकल कर आती है वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर होगी। हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि जो वी एक्स है हमारे पास है वी वाई है और ये जो वी जेड है ये अगर आपके पास में सेम हो, सपोज एक बटे इसके अंदर छोटी सी गलती रह गई है, इसके अंदर ये 2 MVX लिखा है तो ये साथ में 2 लिखा हुआ चल रहा है आपके पास में, इसको 2 लिख के चलिएगा, बाद में उसको काट देंगे, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो हो जाएगी वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर, मतलब वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपके उसे 1/3 ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा। सेम आपके उसे वेलोसिटी वाई स्क्वायर भी कितना बन जाएगी 1/3 ऑफ सी स्क्वायर बन जाएगी, और वेलोसिटी जेड स्क्वायर भी क्या बन जाएगी 1/3 ऑफ सी स्क्वायर। तो प्रेशर अगर आप एक्स एक्सिस में देखकर चलोगे वो कितना था आपके पास, वो निकला था आपका हाफ एम एन वी एक्स स्क्वायर, तो हाफ से हाफ था हाफ एम एन वी एक्स स्क्वायर, साथ में 2 था आपने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया था तो ये बन गया था एम एन वी एक्स स्क्वायर। ये एम एन ऐसे लिखा था बेटे, और वी एक्स स्क्वायर को आप 1/3 सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो प्रेशर इन एक्स एक्सिस कितना होगा आपका 1/3 एम एन सी स्क्वायर, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। अब बेटे सेम प्रेशर है आपके पास में किस में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी प्रेशर इतना होगा 1/3 एम एन सी स्क्वायर, और सेम प्रेशर है जेड डायरेक्शन में, ये भी होगा 1/3 एम एन सी स्क्वायर, तो प्रेशर तीनों डायरेक्शन में निकल कर आ गया आपके पास। अब बेटे देखो आपके पास ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं आपके पास में, आपके पास ये एम है और ये एन है तो आप इसे क्या कर सकते हो, एम लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज, अगर आप इसके अंदर निकालना चाहो कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास में, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम से 1/3, या तो आप इसे रो सी स्क्वायर लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर से, ये भी आप इसको कर सकते हो। दोनों आपके ऐसे प्रेशर के फॉर्म में निकले, चाहे आप एक्स में निकालो, चाहे आप इसे वाई में निकालो, चाहे आप जेड में निकालो, और अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर क्या होगा आपका, आई डायरेक्शन में होगा पी एक्स, जे डायरेक्शन में होगा पी वाई, और के डायरेक्शन में होगा आपके पास में पी जेड। अब बच्चों एक बार इस फॉर्मूले को जरा याद करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक क्यूब इमेजिन किया, ध्यान से समझिएगा, इस क्यूब के अंदर हमने गैस के एक मॉलिक्यूल को लिया, ये गैस का मॉलिक्यूल मूव करता है टुवर्ड्स राइट, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इसका मोमेंटम होगा, ये जाकर इसको हिट करता है मास इंटू वेलोसिटी से, वापस आता है मास इनटू वेलोसिटी से, एक और मोमेंटम हो गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम माइनस का 2 mvx हो गया, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम निकला माइनस का 2 mvx। सपोज करो आपके पास में इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। अब वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, इसको सपोज करो मैं हाइट लेट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अज्यूम कर लेते हैं ये इसको लेंथ ले लो, ये ब्रेथ और ये आपके पास हाइट है, तो ये जो लेंथ है ये आपके से वेलोसिटी इनटू टाइम पर डिपेंड करेगी, और बाकी तो ये एल है और ये एन है, तो दिस विल बिकम्स ए एरिया,
और ये वेलोसिटी भी एक्स इनटू टाइम टी होगा। जितना मोमेंटम आप राइट में ट्रांसफर कर रहे हो बॉल को, बॉल से टकरा कर जब वापस आते हो सेम मोमेंटम होता है, ट्विन वेव्स आपने देखे थे अभी, तो वो मोमेंटम क्या होगा, बॉल पर पॉजिटिव होगा। आपका चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव है तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैसे है, पॉजिटिव है। बॉल का चेंज इन मोमेंटम आपके उसमें पॉजिटिव निकल कर आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया आपने पर सेकंड कितना आपके पास में, तो आपने टाइम टी से डिवाइड कर दोगे, टी की जगह 1 सेकंड लिखोगे, वन आई टी भी लिखा रहने दे सकते हो अगर आप टाइम टी में निकालना चाहते हो। एक बार आपको टोटल चेंज इन मोमेंटम निकल गया, आप फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स का चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब आपका टी कट जाएगा। एक बार आपका फोर्स निकल कर आ गया, प्रेशर निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर निकल कर आ गया आपके इसमें। अब वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, bx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, vz का स्क्वायर सेम ही होता है, और ये 1/3 होता है किसका, रूट मीन स्क्वायर का, तो आपने 1/3 पुट कर दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया। तो जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो डाउट हो तो बताइएगा।